वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ रिंकी और आज मैं आप लोगों के लिए अपना फ्रिज टूर कराने लेके आई हूँ। कई लोग मेरे घर आते हैं तो इस फ्रिज के बारे में पूछते रहते हैं और खोल के भी देखते हैं और कई लोग बोलते हैं कि इतने बड़े फ्रिज में क्या रखती है, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और अभी ये तो फ्रिज मेरे लिए छोटा हो रहा है, मैं रेसिपी वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए पहले इस फ्रिज के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये सैमसंग का फ्रिज है और हमने इसको फ्लिपकार्ट से बाय किया था और ये बहुत ही फास्ट डिलीवर हुआ था इसका 24 आवर में। और ये 4-स्टार फ्रिज है, इसकी 10 ईयर वारंटी है और ये 253 लीटर का फ्रिज है। और ये फ्रिज लाइट चली जाती है तो आपका इन्वर्टर पे अपने आप कनेक्ट हो जाता है। सो गाइस, ये है कन्वर्टेबल फ्रीजर, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे दबा के फ्रीजर का टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं कम ज्यादा। और यहाँ पे है पावर कूल, ये फ्रिज का है नीचे का, ये डबल डोर फ्रिज है तो इसको भी ऐसे प्रेस करेंगे तो ये फ्रिज का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा यहाँ से। और ये बीच का ऑप्शन है फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट करने का। तो इसमें एक और भी ऑप्शन है, ये पावर फ्रिज में ये 3 सेकंड तक ऐसे प्रेस करके रखेंगे ना ये, तो यहाँ पे एक बटन जल गया ये देखिए, तो इससे आपका जल्दी से फ्रीजर ठंडा हो जाएगा। और अगर फिर से आपको नॉर्मल बनाना है तो इसको फिर से 3 सेकंड तक प्रेस करें ऐसे, तो ये बटन बंद होगा अभी। और ये जो है फ्रिज के लिए, तो जल्दी से ठंडा करना है तो इसको प्रेस करके रखें ऐसे 3 सेकंड तक, तो यहाँ पे देखिए और एक बीप की आवाज भी सुनाई देगी इसमें और ये बटन भी जल जाएगा। और यहीं से इसको 3 सेकंड तक ऐसे दबा के रखेंगे तो फिर से ये नॉर्मल में आ जाएगा। और यहाँ पे सबसे इसका मेन पार्ट ये बीच वाला, तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रीजर टू फ्रिज कन्वर्ट करने के लिए, तो इसको ऐसे प्रेस करेंगे ये भी 3 सेकंड के लिए तो यहाँ पे जलेगा ये वाला, तो ये फ्रीजर से फ्रीजर भी फ्रिज बन जाएगा आपका। तो जब भी आप ज्यादा फ्रूट सब्जियां लाएं तो आपके पास जगह नहीं है तो ऐसे ही बना लें, और ऊपर वाला में भी आप सब्जी और फ्रूट रख सकते हैं। तो यही है इसका बाहर का फीचर। तो ये था बाहर का कुछ फीचर और मैं अभी दिखा देती हूँ अंदर क्या है, कैसे है और मैं कैसे सामान रखती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है अंदर का कंपार्टमेंट, तो आप देख सकते हैं पूरा खाली है, मेरे पास ज्यादा सामान नहीं है और अभी तक मैंने खरीदा नहीं है। ये फ्रिज कुछ ही महीने पहले लिया था, तो अभी समर आया है तो मैं आइसक्रीम मोल्ड वगैरह लूंगी। तो ये मेरे पास पहले से था, जो पहले फ्रिज था उसका है ये ट्रे। और यहाँ पे जब नॉनवेज था तो नॉनवेज यहाँ पे मैं रखती थी इसमें और इसमें भी, तो अभी तो नॉनवेज नहीं है तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे फ्रीज करके रखती हूँ, लोबिया उधर छोले, मैं आपको दिखा देती हूँ। वैसे इसकी वीडियो जल्दी ही शेयर करूंगी मैं आपके साथ। तो यहाँ पे है कुछ छोले, ये बॉयल छोले हैं, इसमें फ्रीज करके रखती हूँ मैं हमेशा। सो गाइस, देख सकते हैं इसमें बहुत सारा स्पेस है यहाँ पे, और इधर भी है इसके डोर में देखिए। तो इसमें मैंने कुछ मसाले रखे हैं, जैसे ये सब मसाले ज्यादा यूज नहीं होते हैं तो मैं यहाँ पे रख दी हूँ, इसको बाहर खराब हो जाते हैं। ये थोड़ा सा ग्रीन टी है और ये मेरे पास स्वीट कॉर्न है और पूरा स्पेस तो खाली ही है, मेरे पास कुछ सामान नहीं है। सो गाइस, यहाँ पे डोर में आप देख सकते हैं ऐसी 2 लीटर की बोतलें 4 यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन मेरे पास एक ही है तो मैंने अभी एक रखा है। और कुछ सामान है, ये सॉस वगैरह है, ये पास्ता पिज्जा है, ये सोया सॉस है, ये मस्टर्ड सॉस है, ये कुछ मेयोनीज है, ये कस्टर्ड है। और नीचे दिया हुआ है ये 2 ट्रे अंडे के लिए, तो यहाँ पे मैंने कुछ अंडे रखे हैं, ये बॉयल एग है मैंने लिख दिया इस पे, कभी कभी बच्चों के काम आ जाते हैं। और ये कच्चा है और ये भी एक का ही ट्रे है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चटनी रखी है, 2 जार में चटनी है मेरे पास, ये ग्रीन चटनी और ये मूंगफली और नारियल की चटनी है। और यहाँ पे 5 बोतल के लिए ये जगह दिया हुआ है 1 लीटर बोतल के लिए, तो मैंने इसमें 4 रखा है, एक जूस है यहाँ पे। तो गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है ये फ्रेश रूम लिखा है, तो इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट रखी हूँ ऐसे, ये स्लाइड होता है, ये ड्राई फ्रूट वगैरह है। और यहाँ पे चीज है, तो ये ऊपर का डोर है और यहाँ पे है, ये भी इजी स्लाइड ऐसे होता है,
और ये देख सकते हैं इतना बड़ा पतीला, ना चाहते हुए भी मेरे को इसमें रखना पड़ता है। और ये है कुछ कटी हुई सब्जियां हैं यहाँ पे मेरे पास, और इसमें हरी मिर्चे, और इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ऐसे कुछ है। और मैं आपको पीछे दिखाती हूँ, इसमें पनीर जो कि मैं इसे पानी में स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी आपको इसमें से एक आवाज सुनाई दे रही होगी, बीप की आवाज आती है। थोड़ी देर इसको खोल के रखते हैं फ्रिज को, तो इसमें से आवाज आती है कि आप अगर कहीं रहे तो। और मेन बात है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें लॉक नहीं है। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता रखा है इसमें, ये आपको दिख नहीं रहा होगा। और इसमें मैं एक टाइम का तो आटा रखती ही रखती हूँ हमेशा इस बाउल में। तो ये गूंधा हुआ आटा है, और अंदर मेरे कुछ ग्रेवी है जो मेरे खाना बनाने को बहुत आसान करके रखता है। और यहाँ पे है कुछ गार्लिक को मैं पील करके हमेशा रखती हूँ। और यहाँ पे है ये एक मेरे पास बड़ा सा डिब्बा है, इसमें मैं छोटे छोटे सब्जियां रखती हूँ, जैसे कि करेला, थोड़ा सा भिंडी, और मैं दिखा रही हूँ इसमें, इसमें है एक तोरी है, ऐसे सांभर के लिए कुछ आइटम रखती हूँ, या कुछ मिक्स वेज बनाना है तो थोड़ी थोड़ी सब्जी इसमें रखती हूँ हमेशा। और यहाँ पे है चौथा सेक्शन जो हमारे ब्रेकफास्ट का सेक्शन है, यहाँ पे है ये स्प्राउट है, और यहाँ पे मेरे बच्चों का है ये पीनट बटर है, अंदर जाम है। तो ये सब तो आप डोर में रख सकते हैं, पर मेरे डोर में जगह नहीं है। और यहाँ पे है ये सिंपल बटर, सॉल्टेड बटर, और इसमें है लेमन, और इसमें कुछ छोटे छोटे फ्रूट्स हैं। तो फ्रूट्स तो बाहर ही है, बनाना, ऑरेंज, ये सब तो बाहर ही है, और फ्रूट्स अंदर रखने भी नहीं चाहिए। ये थोड़ा थोड़ा मैं रखती हूँ, कभी मन करे ठंडा खाने का तो इसलिए। और यहाँ पे है बन है, ब्रेड है, ये ब्रेकफास्ट का ही सेक्शन है। और यहाँ पे है बड़ी वाली सब्जियां सब, इसमें तो मेरे पास ये बॉयल पोटैटो है, ऐसे मैं रखती हूँ थोड़ा सा। ये फूलगोभी है, लौकी है, खीरा है, और इसमें कुछ दूध दही है, एक्स्ट्रा भी स्टोर करना पड़ता है। सो गाइस ये था मेरा फ्रिज टूर, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और घंटी भी बजाएं, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।